हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू और बीन्स की बहुत ही चटपटी सब्जी, जिसे हम चावल के साथ, रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी होती है। ये है रमाज मली यानी बीन्स, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे, मैंने सारी कट करके रख ली है। अब इसको रखेंगे साइड में और बाकी की सब्जियां कट करेंगे। हाँ, मैंने दो आलू छील के रख लिए, इनको इस तरह से कट कर लेंगे। सारे आलू कट करने के बाद प्याज को कट कर लेंगे, हरी मिर्च कट कर लेंगे। सारी सब्जियां हमारी कट हो गई हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था, अब उसमें डालेंगे ऑयल और अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हींग जीरा डालेंगे और प्याज हरी मिर्च डालेंगे जो हमने कट करके रखी हुई थी, अच्छी तरह से चला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और हाई फ्लेम पर लगातार हमको चलाते हुए प्याज को सेक लेना है। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज में नमक और हल्दी डालने से वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से सेक लेना है। अब इसमें डालेंगे जो हमने आलू कट करके रखे हुए थे, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू, प्याज और मसाले मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे बीन्स रमास वाली जो हमने कट करके रखी हुई है, उसको मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब देख लेते हैं हमारी सब्जी को, पहले इसको अच्छी तरह से चला देंगे। हमारी सब्जी पहले चेक कर लेते हैं और अभी ये 80% कुक हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च और ये पांचाल का चना मसाला, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, इससे हमारे मसाले अच्छी तरह से सिक जाएंगे, जलेंगे नहीं और हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से चला देंगे और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया है। सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी, बस 5 मिनट के लिए और ढक देना है। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी, अब चेक कर लेते हैं। पहले पलटे की हेल्प से इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी तरह से बन गई है। इसको चेक कर लेंगे, हमारे आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और फली भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। हमारी सब्ज़ी बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। अब इसको सर्व करेंगे। मैंने हमारी सब्ज़ी को सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। अब इस पर डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने 10 मिनट में बनने वाली हमारी आलू और बीन्स की चटपटी सब्जी, जिससे हम रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें।